आजादी अपनी कॉमेडी से पूरी दुनिया में लोहा मना चुके कपिल शर्मा इन दिनों काफी ट्रोल हो रहे हैं। #boycottkapil ट्रेंडिंग हो रहा है, वजह आपको बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल आप सभी जानते हैं द कपिल शर्मा शो पर हर एक शख्स जो फिल्म बनाता है वह अपनी मूवी को प्रमोशन के लिए वहां जाता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की त्रासदी को दर्शाती फिल्म द कश्मीरी फाइल्स की स्टारकास्ट टीम को कपिल ने अपने शो पर इनवाइट नहीं किया। इसका खुलासा जब हुआ तब ट्विटर पर एक ट्वीट ट्रेंडिंग करने लगा, जिसको एक यूजर ने कहा, आखिर #कश्मीर फाइल को प्रमोट करने से क्यों घबरा गए कपिल? किस बात का डर था जो विवेक अग्निहोत्री और उनकी स्टारकास्ट को अपने शो पर न्योता नहीं दे रहे कपिल? इसके बाद कपिल ट्वीट करते हैं और कहते हैं, ये सच नहीं है राठौर साहब, आपने पूछा इसलिए बता दिया, बाकी जिन्होंने सच मान ही लिया उनको एक्सप्लेनेशन देने का क्या फायदा। एक और यूजर ने सीधा सवाल पूछा कपिल से और कहा, विल यू इनवाइट विवेक रंजन अग्निहोत्री ऑन योर शो? आंसर यस आर नो विल एंड दी र्यूमर्स। कपिल ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा नो। एक तरफ यहां देश के साथ साथ विदेशों में भी द कश्मीर फाइल्स तहलका मचा रही है। ऑस्ट्रेलिया में मूवी देखने के बाद एक महिला कश्मीरी पंडित ने क्या कहा, सुनिए। She is a victim. She came, मैंने जब दर्पण रेडियो पे इंटरव्यू करा था तो मुझे पहली बार मालूम, हम दोस्त हैं लेकिन पहली बार मालूम पड़ा कि वो इससे गुजरी है जो फिल्म में दिखाया गया है। आप बताइए, I'm sorry, जो है ना, I know, but just want to say that this is not fiction. This is the fact. तो ये जो आपने देखा is just the one person. लेकिन एक बात मन करता है कि जाए, लेकिन आज भी everything. आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद में कुछ हेल्प मिलेगी आपका जो धर्म था उसका? सबसे ज्यादा उनको जस्टिस मिले जिनके साथ आपने इतना बेरहमी से देखा कि क्या हुआ। We have all been a part and parcel of it, but some of them have been to the extent जो आपने देखा इसमें जितने भी इंसिडेंट थे कुछ भी फिक्शन नहीं है। This is the fact, the soaking, the drum barrel, it's all true, but no fun. आज तक कभी मैंने सुना नहीं है कहीं कश्मीरी पंडित को लेकर किसी कुछ कहा हो, कभी कुछ हुआ हो, मैंने नहीं पता इंडियन पार्लियामेंट में कभी कहीं कुछ हुआ है। नेवर आर्टिकल 370, बट वट अबाउट दोस पीपल यू हैव सीन? प्लीज गिव जस्टिस, यू कैन हेल्प अस सपोर्ट एंड गिव जस्टिस दोस पीपल रियली रियली विक्टिम्स ऑफ दिस। आई डोंट नो, पीएम मोदी भी मिल चुके हैं द कश्मीर फाइल्स फिल्म मेकिंग टीम से और उन्होंने इनके काम को भी सराहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं खुद इस मूवी को देखूंगा क्योंकि ये मूवी सच जो है उसे सामने ला रही है। भारत में तो कश्मीरी पंडित विवेक रंजन अग्निहोत्री को धन्यवाद करते ही नहीं रुक रहे, वही उनकी आंखों से बहते हुए आंसू सब कुछ बयां कर रहे हैं। एक महिला ने तो रोते रोते विवेक रंजन अग्निहोत्री के पांव तक को छू लिया और क्या कहा, ये भी सुनिए। We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? We are all thankful to you. We are very thankful to you to bring our story out. आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। हमारे लिए भगवान ने ये बच्चा, हमारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ, तुम्हारा आशीर्वाद है मेरे बेटा, बहुत आशीर्वाद है मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को, ऐसा ही बात है, अब हमारे भगवान हो।
अब सवाल ये है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो बीती वो इस मूवी में एक डॉक्यूमेंट की तरह ये लोग ले रहे हैं, अपने समुदाय के साथ साथ बाकियों को भी इस मूवी को देखने के लिए लेकर जा रहे हैं। जम्मू के बे मॉल में भी एक वाक्य सामने आया जहां पर मूवी स्क्रीनिंग को रोक दिया गया, उसके बाद भी काफी बवाल जो था वो देखने को मिला। लेकिन जहां हर कोई इस मूवी की प्रशंसा कर रहा है, वहां कपिल शर्मा क्यों डर रहे हैं इस मूवी की प्रमोशन के लिए, और आखिरकार वह चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या कपिल शर्मा बाकी तमाम चुप्पियों को तोड़ते हुए बाकी तमाम सवालों का उत्तर देने के लिए क्या सामने आएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट्स, बाहु एक्सप्रेस।